मसनवी मौलाना रूम के अंदर मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, ए हजरत इंसान तू राह तय कर रहा है, त्या तेनू एक कहानी सुनाइए, एक गल सुनाइए, तेनू पता लगे कि तू राह किवें तय करना है। इहदे विच बड़ियां मुश्किलां आउंदियां ने, इहदे विच बड़ियां रंगीनियां आउंदियां ने, और बड़े बड़े अजीब हादसात आते हैं, पर बच बचा के जाना ही। उन्हें एक छोटी जी कहानी सुनाई, कहानी एवं फरमाते ने अठ दस बंदे ते टुरे जान, अगों आ गया जंगल, जंगल के विचों उन्होंने गुजरना सी। एक बंदा सियाणा दना समझदार उत्थे बैठा, उन्हें वेख्या, उन्हें आख्या ओ बेलियो इधर आओ ना, किधर लगे जाते जी? ए जी चाचा जी, ए किधर चले जो ना? क्यों फलाना पिंड। अच्छा, तो जंगल के विचों तो गुजर के जाना ना? उन्हें आख्या हाँ जी, ये जंगल सारा तय करके जाना है। उन्हें आख्या पुत्र एक मत ले जाओ मेरी। केड़ी? उन्हें आख्या पुत्र राह दे विच ना ये जंगल, इत्थे जानवर भी तरह तरह के ने, ते इत्थे अगे तुहानू राह च हाथी भी नजर आउणगे, ते हाथियां दे बच्चे भी इत्थे फिरदे पए हुंदे ने, ते तुहानू लगनी है भुख प्यास, ते तुसी जो कोल होवेगा ज़्यादे राह इहदे नाल ही गुजारा कर लिया जे, जे ये मुक गया ते फिर दरख्तां दे पत्तर खा लिया जे, घा पट के खा लिया जे, कोई होर शह खा लिया जे। हाथी दे बच्ची उत्थे खेडदे फिरदे हुंदे ने राह दे उत्ते, बड़े सोहणे लगदे ने, किते ओह ना होवे भई तुसीं उत्थों कोई फड़ के आउंदा, कोई बच्चा फड़ के रगड़ जाओ। जे किसी हाथी का बच्चा फड़ लिया ते मैं तुहानू मत देंदा जे पिया, वह बच्चे की माँ 100 मील ते भी होवे ना ते उहनू पता लग जांदा जी उहने छड़ना नहीं, जे तुहानू मेरी ये मत पल्ले बन लो ते खैर नाल जाओ। ऐ ठीक है चाचा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चाचे की गल सुन के ना तो सारे टुर पे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने सफर करद्या करद्या उन्होंने एक मकाम ते जाके वेख्या, भुख लग गई, रेस्ट भी करन, उठ के टुर भी पैन, ज्यादा राह भी खत्म हो गया, भुख लगी है, प्यास लगी है, एक जगह तो पानी तो मिल गया लेकिन खाना नहीं मिल रहा। फरमांदे ने रस्ता सी ते रस्ते दे उत्ते एक जगह उन्हें देखिया हाथी दे बच्चे छोटे छोटे खेलते फिरते ने, जिसलिए उन्हें बच्चे वेखे निके निके उन्हें कहा लै भी आ शिकार लभ गया जे। एक बार पैर टुट के एक ने मारी तलवार, हाथी का बच्चा ढालिया, उनदियां बोटियां बनाउन लग पिया। वो एक बंदे ने विचों समझाया, उन्हें आख्या उइयो काम ही किया जे जिहड़ा बजुर्ग ने सानू समझाया सी। उन्हें आख्या सी कोई हाथी का बच्चा सामने आ गया तो नेड़े ना जाया जे, नहीं तो मर जाओगे। उन्हें आख्या भुख लगी है, मरदा मरदार भी जायज होता। उन्हें आख्या एक तो हलाल नहीं है, दूजी है तुसा ज़िबा नहीं किया, हलाल भी नहीं है, इन्हू फड़ के उंजी खाते। उन्हें आख्या यार मरने जो पाया तो मरदार भी जायज होता, ठीक है चलन दो। उन्हें आख्या पर मैनू समझ नहीं आती, जी बजुर्ग ने गल की सी तुसी वो गल कंड पिछे सड़ दी है, ये चंगी गल नहीं। और बह जा सूफी, बह जा थले तू चुप करके। मौलाना फरमाते ने उन्होंने बोटियां छोटियां बना के कढ़ाई गोश्त बनाया, टिक्के कबाब बना के खा पी के अगों होगी शाम, ते भुख दे ते सफर दे मारे सन। जब तो शाम हुई लेट गए, नींद आई, बेहोश हो गया, बेहोशी दी नींद। ते जिन्हें कोई शह नहीं सी ना खाधी, जिहड़ा समझांदा सी उहनूं आखण आइया तू भी खा लिया, उन्हें आखिया ना पा उतों दो पत्तर खा लाँगा, उतों घा पुट के खा लाँगा, पर मैनू वह बजुर्ग की नसीहत याद है, मैं ये हराम नहीं खाना। मौलाना रूम फरमाते ने थोड़ी देर हुई ते हथनी वो बच्चों की माँ दौड़ती लगी आवे ते इंज मलूम होवे जिवें उहदी सुंड दे विचों अग भी निकलती है। उन्हें पता लग गया कि मेरे बच्चे नाल ज्यादती हुई, उनकी कुवत इन्नी तेज सी। फरमाते ने जिस लियाई तो जिहड़ा बैठा सी ना चुप करके उन्हें आके सुंघिया, वह बेचारा कट्ठा होकर बह रहा सहमिया भैया मेरे नाल पता नहीं की बनना है। जो उन्हें सुंघिया पिछा हट गई, सुता सी उन्हें सुंघिया, हिसाब ला लिया, दूजे नूं तीजे नूं चौथे नूं जिन्हें सुते सन ना सारे खा के इंज मूँह उत्ते रखे समैल लवे ते यकीन कर लवे जिहड़ा बैठा सी उहदे अंदरों किसी किस्म की समैल नहीं आई, उहदे वल्ली उह गई भी नहीं, ते जिहड़े खा पी के हाथी के बच्चे नूं सुते सन। फरमांदे ने मौलाना कि अज सुंड च पावे ते चुके ते चुक के लिया के थले मारे ते पसलियां भी तोड़ देवे, हर एक नूं चुक चुक के उन्हें फड़का दिता, जिहड़े को नसे भजे उन्हां नूं भी फड़ के मार दिता, सारे दे सारे उन्हें तबाह बर्बाद कर दिते। लेकिन जिन्हें कोई शह नहीं खाधी उवें दा उवें अमणा अमान बैठा है, ना हाथी दे हथनी नहीं उहनूं कुछ आखिया, ना उहने हथनी नूं कुछ आखिया। कहिंदे ने गल सुन ली, मैं कहा जी सुन ली। फरमांदे ने फिर इत्थे इह तां पता लग गया ना, इह तां पता लग गया कि
अंदर जो कुछ हो पैगाम सुनना जरा, अंदर जो कुछ हो साह दे जरिए बार पता लग जाता है, पता लग जाता है जो कुछ अंदर हो बार पता चल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, फरमाया इज़ा काज़ब अल-अब्दु तबअअ'ऽहु अल-मलकु मीलन मिन नत्न मा जाअ बिही। मेरे करीम अकरम सलाम ने फरमाया बंदा जो झूठ बोलता है ना तो फरिश्ता एक मील दूर चला जाता, क्यों? स्मेल बड़ी भैड़ी आउंदी उहदे मुंह च। यह हदीस है और हदीस भी तिर्मिज़ी की है। दोस्तान ने अजीज अंदर झूठ बोलिया तो जो तो जुबान विचों बात कढ़ी है तो स्मैल आ गई है बंदियां नहीं पता लगता तो फरिश्तियां नूं पता लग गया स्मैल आ गई है। इहदा मतलब होया कि कुछ वो चीज़ा ने जिन्हां दा बंदियां नूं पता लगता है, कुछ वो ने जिन्हां दा फरिश्तियां नूं पता लगता है। वेखो ना जिस वक्त कोई बाहर डंगर मरिया होवे बंदा कोलों लंघदा है ना भी वेख्या होवे तो बंदा हिसाब ला लैंदा यार इत्थे कोई डंगर मरिया है, इवें कि गटर होवे खुला तो बंदा हिसाब ला लैंदा भी इत्थे गटर खुला है स्मैल आउंदी है ना, कितने कैमिकल फैक्टरी होवे बंदा कोलों लंघे तो पता लग जाता है भी इत्थे गड़बड़ क्यों बो पई आउंदी है, मसला कोई है। बिल्कुल इस तरह जदों अंदर छप्पड़ लगा हो झूठा का तो बंदा जो बोलता है तो उनकी स्मैल फरिश्ते आती है, फरिश्ता एक मील दूर चला जाता है। मैं जो हदीस पढ़ी ख्याल आया कि बंदा झूठ बोलता है तो बदबू आती है फरिश्ता मील दूर चला जाता है, इसका मतलब फिर यह होया कि जेडे बंदे दे अंदर हसद होगा उनकी भी बदबू आएगी, उनकी अपनी स्मैल जिवें कुत्ते की अपनी छप्पड़ की अपनी रूड़ी की अपनी इवें हसद की अपनी झूठ की अपनी गीबत की अपनी स्मैल अंदर गंद होगा तो उनकी स्मैल आएगी फरिश्ता मील दूर चला जाएगा। तो जे अंदर गंद हो उनकी बदबू की वजह तो फरिश्ता मील दूर चला जाता है, तो जे अंदर कुरान की तिलावत रखी होगी तो फरिश्ता वो जेड़े दूर होंगे वह भी नेड़े आ जाएंगे, रोजा रखा होगा जेड़े दूर होंगे वह भी नेड़े आ जाएंगे, अंदरों महकां ते खुशबूआं आ रही होंगियां, अंदरों जनाब बंदा नात पढ़ रहा होगा, और जे बंदा दुरूदो सलाम पढ़ रहा होगा झूठ बोले फरिश्ता नस जाता है। तो जी अंदर पाक किया हो साफ किया हो क्लीयर किया हो नीयत चंगी होनी चाहिए है, समझ आ रही बात? नीयत अच्छी होनी चाहिए है, अंदर पाक हो अंदर साफ हो विरदे जुबान हो सले अला कबूलियतियां खड़िया ने मेरे नाल मिलके पढ़ लो हाजरी लग जाएगी सले अला नबी सल्ले अला हबीबे ना सल्ले अला मुहम्मदिन बलागल्लोला बिखमाले कशफतो जो बिजमाले हसनत जमीयो खिसाल सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। दोस्तान अजीज ये तुसी दरूद शरीफ पढ़ रहे हो, याद रखना अल्लाह के प्यारे हबीब जेड़ा जेड़ा उम्मती बार गाहे रिसालत के अंदर दरूद शरीफ पेश करता है सरकार खुद जवाब दे सल्ले अला नबी सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला हबीबे ना सल्ले अला मुहम्मद दुनिया खुश
खुशबुआं पैदा होंदिया होणगियां, किन्नियां महकां पैदा होंदिया होणगियां। मैनूं उस हदीस दा मतलब समझ आ गया। अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा इज़ामरर तुम मेरे आज़िल जन्नत दे फरताओ, जदों जन्नत दे बागीचां विचों गुज़र होवे खाया पिया करो। साहब अर्ज की हजूर वमारिया जुल जन्नत, हजूर हुक्म होवे जन्नत बाग केड़े ने? फरमाया हे लाग जिक्र जिथे जिक्र दी महफल लगी होवे, और जो तो तुसी जिक्र कर दे अंदरों खुशबुआ दिया ने जेड़े दूर होंदे ने फरिश्ते वो भी नेड़े हो जांदे ने। सल्ले अला नबी सल्ले अला तबी।